अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एग चिली, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट वाला एग चिली। आप घर में ही बना के खा सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूँ। ये है बॉयल्ड एग, बॉयल किया हुआ एग। इसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं, ऐसे ऐसे लंबा लंबा कट किया है, ऐसे 4 पीसेस। फिर ऑनियन पीसेस चौक चौक कट कर लिया है, एक बाउल। हाफ बाउल कैप्सिकम पीसेस चौक चौक कट किया हुआ। और कॉर्नफ्लोर लिया है और मैदा लिया है। ये बाइंडिंग के लिए चाहिए। ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। यह है टोमेटो केचप 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर स्लरी, कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लिया है थोड़ा, एक टीस्पून जितना। यह है रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। ये है गार्लिक पीसेस चॉप्ड, 5 से 6 गार्लिक चॉप किए हुए। ये है सोया सॉस 1/2 टीस्पून। ये है पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिल्ली पाउडर, ये बैरगी चिल्ली पाउडर लिया है मैंने। ये है 3 से 4 टीस्पून लिया है। आप तीखा कम चाहिए तो कम डालिए। कोरिएंडर लीव्स लिया है चॉप्ड, और यह ग्रीन चिलीज चॉप्ड लिया है। ये 5 to 6 ग्रीन चिलीज लिया है, तीखा कम चाहिए तो कम डालिए। ये है विनीगर, थोड़े से 1 टीस्पून विनीगर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। एक बाउल में आपको कॉर्नफ्लोर और मैदा जो मैंने बताया था वो डालना है थोड़ा सा। ये तलने के लिए चाहिए। इसका एक बैटर बनाना है हमें। फिर इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर डालना है। फिर इसमें आपको थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, और जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। और इसे एक बैटर कर लेना है आपको। ज़्यादा पतला मत बनाइए, ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अच्छी तरह से ये बैटर बना के रखना है। फिर इसमें एग डिप करके आपको, देखिए थोड़ा सा और पतला चाहिए, एग डिप करके डीप फ्राई करना है, मैं वो बताती हूँ फ्रेंड्स। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। अभी एग जो हमने कट करके रखा था इसमें बैटर में डिप करना है आपको। ऐसे अच्छी तरह से डिप कर लीजिए और एक एक पीस इसमें तेल में डाल लीजिए। और तलते वक्त थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक तलिए। और ये एकदम उड़ भी सकता है, थोड़ा दूर रह के तल लीजिए फ्रेंड्स। देखिए इतना लाइट ब्राउन होने तक तल के निकाल लेना है फ्रेंड्स। मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें एग जो मैंने तला था वही तेल लिया है, 1 टेबलस्पून तेल लिया है। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसमें गार्लिक पीसेस जो मैंने आपको बोला था वो डाला है। फिर इसमें आपको ऑनियन पीसेस कट किए हुए ऑनियन पीसेस डालना है, और ग्रीन चिली चॉप्ड वो डालना है। फिर थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, ब्राउन नहीं होना है, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए फ्रेंड्स। अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है आपको, जो मैंने आपको बोला था उसका जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें कैप्सिकम पीसेस डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए फ्रेंड्स। अभी इसमें आपको पेपर पाउडर डालना है, और फिर इसमें चिल्ली पाउडर, ये सब डाल के मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल के फ्राई कर लिया है मैंने। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा डालिए क्योंकि हमने एग में डाला था नमक, और सॉस में भी रहता है। देखिए ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें रेड चिली सॉस
सब सॉस ऐड करना है, सोया सॉस और टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप भी ले सकते हैं आप, ये डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी विनीगर जो मैंने बोला था विनीगर भी डालना है, फिर इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा फिर से फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी डालना है आपको, चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहिए तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स अभी एग जो हमने तल के रखा था वो इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए मैंने अभी सब मिक्स कर लिया है, आपका एग चिली रेडी हो गया है रेस्टोरेंट स्वाद वाला। इसमें कोथिंबीर डाल सकते हैं, नहीं तो ऑनियन रिंग्स भी आप डाल सकते हैं, मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारा एग चिली रेस्टोरेंट जैसा स्वाद वाला एग चिली रेडी हो गया है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक अवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।